Hello everyone and welcome to the session of PIB 24/7. I'm your mentor Manish Mishra, and in this session I will bring to you PIB analysis of PIB news in the form of 5 questions. This session is beneficial for various government exams like UPSC, State PSC, RBI Grade B, ESI section. So let's start today's session with news number 1. So guys, recently Consumer Protection Act 2019, Consumer Protection Act was passed in the year 2019, but recently it came into force on 20th July 2020. 20 July 2020 ko ye force mein aa gaya hai, and it has replaced the Consumer Protection Act of 1986. Isse pehle jo Consumer Protection Act chal raha tha hamara, wo bahut purana tha. That was enacted in the year 1986. Now the newly enacted Consumer Protection Act of 2019 will replace the Consumer Protection Act of 1986, right? And this has been enacted to provide a mechanism for redressal of complaints regarding defects in goods and services. Goods and services ke andar jo consumers ki complaints rehti hain, unko redress karne ke liye is act ko laya gaya hai, and it will also help in protection of rights of the consumer. Jo protection ke jo कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी ये एक्ट हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट इन ब्रीफ. सो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें बस केवल जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं केवल उसके बारे में ध्यान रखना है. ओके, सो देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, दैट विल बी हेडेड बाय चीफ कमिश्नर. ऑलराइट, दैट विल बी हेडेड बाय अ चीफ कमिश्नर एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. इसको कहां बनाया जाएगा गाइस? न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा, और इसका जो एम होगा दैट इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द कंज्यूमर राइट्स. जो कंज्यूमर राइट्स है उनको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और उनको एनफोर्स करना विल बी द एम ऑफ दिस अथॉरिटी. ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ दिस अथॉरिटी गाइस, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पावर है दैट इज इट विल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस इनटू राइट्स violence of consumers and institute complaints against the misfault the faulty manufacturers. Right, jo bhi consumer rights hai agar uska kahin pe bhi violation hota hai to uske against investigation karna and uske against complaint karna and then prosecution karna and then conviction karna, ye pura ka pura power hai of the central consumer protection authority. All right, it can order the recall of unsafe goods and services. जो भी goods और service है उसको वो recall कर सकता है, यानी कि उसको end कर सकता है. Alright. Other than this, it can also discontinue the unfair trade practices and misleading advertisement. अगर कोई advertisement होती है जो कि misleading है या फिर कोई unfair trade practice है तो उसको ये discontinue कर सकता है, and also it can impose penalties on the misleading advertisement. जो भी person, जो भी manufacturer, अगर कोई seller या फिर कोई service provider अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता हुआ पाया जाता है सो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, एंड इन सम केस अगर वो दोबारा से उस ऑफेंस को रिपीट करता है देन ही विल बी लाइबल फॉर सम काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी. राइट, सो दीज आर सम पावर्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गाइस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर आर सम रूल्स ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी, जितने भी ई कॉमर्स एंटिटी है उनके लिए कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए गए हैं अंडर दिस एक्ट ऑफ 2019. सबसे पहला तो यह है कि एंटिटीज को, जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन सबको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिनको मैंडेटोरिली प्रोवाइड करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, सो रिफंड की जो पॉलिसीज होती है वो बतानी पड़ेगी, रिटर्न की पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी, और एक्सचेंज की पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी डेट, ओके, एंड ऑफकोर्स कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा. सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी कई वेबसाइट्स पे, कई ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल नहीं है. उन सभी इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना पड़ेगा टू ऑल, एंड दिस इज फॉर ऑल द ई कॉमर्स कंपनीज. राइट, एंड दे विल आल्सो हैव टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ एनी कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स. 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई कंज्यूमर की कंप्लेंट आई है तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज करना है, एंड दैट कंप्लेंट हैज टू बी रिड्रेस विद इन 1 month from the date of receipt. एक महीने के अंदर उस कंपनी उस कंप्लेंट का रिड्रेसल हो जाना चाहिए. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट लायबिलिटी, सो गाइस ये एक नया प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इन दिस एक्ट ऑफ 2019, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लायबिलिटी. कि जो प्रोडक्ट है अगर वो डैमेज्ड है, अगर कोई सर्विस है जिसको ढंग से डिलीवर नहीं किया गया या डिलीवर करते वक्त कुछ इंजरी हो गई या डेथ हो गई किसी पर्सन की, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो डिसाइड की जाएगी अमंग these three, manufacturer, service provider or seller.
सो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए एंड देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, ओके, सो देन द मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल फॉर दैट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, मान लो कि आपके पास कोई सर्विस प्रोवाइडर आया घर पे आपके कोई सर्विस लेके, एंड उसने अगर कोई गलती कर दी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर पे आपने अर्बन क्लास से कोई प्लम्बर बुलाया, राइट, सो ही इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विस एंड वाइल डूइंग हिज सर्विस उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो अर्बन क्लास विल बी लायबल फॉर दैट, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेलर, तो मान लो कि कुछ सेलर्स ऐसा करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आया है पीछे से मैन्युफैक्चर हो के, वो अच्छा था बट उसमें उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ प्रॉब्लम कर दी और उसको आगे बेच दिया, राइट. एंड अगर ये वेरीफाई हो जाता है दैट फॉल्ट इज क्रिएटेड बाय द सेलर, देन द सेलर विल बी लायबल फॉर दैट डिफेक्टिव प्रोडक्ट, राइट. सो प्रोडक्ट लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी या तो मैन्युफैक्चरर लायबल होगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है. सिंप्लीफिकेशन में गाइस क्या क्या चीजें की गई है, पहला तो ये कि नाउ अ कंज्यूमर कैन ई फाइल द कंप्लेंट फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस, अपने घर पे बैठे बैठे ई फाइल करा जा सकता है कंप्लेंट्स को. एंड हियरिंग कैन नाउ बी पॉसिबल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग की जा सकेगी, ई फाइलिंग की जा सकेगी फ्रॉम प्लेस ऑफ रेजिडेंस और वर्क. और जो एडमिसिबिलिटी है कंप्लेंट की वो 21 दिन के अंदर अंदर डीम कर दी जाएगी, ओके. जो कंप्लेंट्स है उनको एडमिसिबल कर दिया जाएगा आफ्टर 21 डेज ऑफ फाइलिंग. एंड जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन है गाइज उनको एम्पावर किया गया है ताकि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके, ओके. इससे पहले क्या होता था कि अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को फैसला सुनाते थे तो उसके बाद जो अपील होती थी वो सीधा कोर्ट में जाके होती थी, बट नाउ दे कैन ऑल्सो रिव्यू देयर डिसीजन, राइट. सो जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उनको एम्पावर किया गया है. Now a person can e-file the complaints from his residence or the place of work, and jo admissibility of complaints hoga that will be after 21 days of filing, and there is an option of video hearing in the case of complaints, okay. Now let's move to dispute resolution mechanism of mediation. Now guys, this is also the new provision added in this act. This is what mediation. अब इसमें होगा ये कि अगर मान लो कि दोनों parties हैं, consumer और the manufacturer और seller और service provider, तो consumer और manufacturer में अगर दोनों parties के अंदर settlement हो रहा है, so एक dispute resolution mechanism बनाया जाएगा through this mediation, okay? जिसमें कि दोनों parties अगर agree हैं, तो वो early settlement कर सकते हैं without the further जो भी legal चीजें होती हैं, मतलब without filing the case वगैरह court कचहरी के चक्कर से बचने के लिए ये अर्ली सेटलमेंट को मतलब ये जो मीडिएशन के प्रोसेस को एनफोर्स किया जाएगा इन दिस एक्ट, राइट. इट विल सिंप्लीफाई द एडजुडिकेशन प्रोसेस, इट इज अ स्कोप फॉर अर्ली सेटलमेंट एग्जिस्ट इफ पार्टी एग्रीज फॉर इट, एंड दिस मीडिएशन इज टू बी हेल्ड इन द कंज्यूमर मीडिएशन सेल. एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाया जाएगा जिसके अंदर इस मीडिएशन को करा जाएगा बिटवीन द पार्टीज इफ दे एग्री टू इट, राइट. एंड अगर हम फीस की बात करें, सो गाइस 5 लाख तक का अगर कोई केस हम फाइल करते हैं तो देर विल बी नो फीस, और अगर कोई अनआइडेंटिफाइबल कंज्यूमर होगा तो उसकी जो भी फीस आएगी दैट विल गो टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ओके. वो पूरा का पूरा पैसा कहां पे चला जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, ओके. नाउ अगर कोई पर्सन अडल्टरेटेड प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को, एंड इफ देर इज एन इंजुरी इन दैट केस इन द डिलीवर ऑफ दैट अडल्टरेटेड प्रोडक्ट, देन द पर्सन विल बी लायबल टू अ फाइन ऑफ ₹5 लाख अलॉन्ग विद 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट. अगर किसी पर्सन को कुछ इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ द सेलिंग ऑफ एडल्टरेटेड प्रोडक्ट, तो 5 लाख तक का जुर्माना और साथ साथ 7 साल तक की सजा है, अप टू 7 years इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है इन केस ऑफ इंजरी, वेल इन केस ऑफ डेथ जो मिनिमम जो हमारा चलान है दैट विल बी ऑफ मिनिमम ₹10 लाख एंड 7 years इन प्रिजन एक्सटेंडेबल अप टू लाइफ, राइट. सो देर इज अ तो काफी जिसे हम कहेंगे कि काफी ज्यादा डेंजरस टाइप की पनिशमेंट है, आई मीन डेंजरस नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है इफ देर इज अ केस ऑफ इंजरी एंड और द केस ऑफ डेथ, राइट. एंड देर विल बी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई जाएगी एंड इट विल बी हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हु इज करेंटली मिस्टर रामविलास पासवान, ओके. एंड ये जो होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इट विल बी एन एडवाइजरी बॉडी, ओके. एडवाइजरी बॉडी होगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड इट विल हैव अ थ्री ईयर टेन्योर होगा एंड इट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा, ओके.
So guys, this was all about the features and provisions of the Consumer Protection Act of 2019. Now let's discuss some questions based on this. So there are four questions based on this topic. So let's discuss this. So there is some information given for question number 1 to 4. So let's read out the information. The Consumer Protection Act is for providing protection to the interest of consumers and to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith. The newly enacted Consumer Protection Act of 2019 came into force from 20th July, replacing more than 3 decades old Consumer Protection Act of 1986. So the information, guys, is about what? Consumer Protection Act of 2019. Now let's move on to question number 1. Many provisions are added under the Act for simplifying the consumer dispute adjudication process, except इनमें से क्या वो एक feature है जिसको add नहीं किया गया है for simplifying the consumer dispute adjudication process, right? So option A is e-filing facility to register a complaint. Yes, there is a e-filing facility and a person can file the complaint from his workplace or his residence. Next option is filing from the place of purchase. No. As I already told you now कि जो filing है वो residence या फिर workplace से की जा सकती है. So guys, therefore the correct answer should be what? Option B. This is not one of the feature. Now question number 2 is, what is true about fees as punishment under the new Consumer Protection Act of 2019? Fees और punishment के बारे में हमें true statement बतानी है. So no fee for filing case up to rupees 5 lakh. Yes, this is absolutely correct. Compensation of up to rupees 5 lakh for injury or damage caused by a defective product or service. Yes guys, this is also correct. In case of death, the culprit will have to pay a minimum of rupees 10 lakh and 7 saal ki saza, which is extendable up to life imprisonment, right? So I think all these three statements are absolutely correct. So therefore the correct answer is what? Option E. Now question number 3 is, what is not included as a rule under the Consumer Protection Act of 2019 for e-commerce companies. E-commerce companies के लिए कौन सा rule include नहीं किया गया है? So option A is acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours. Yes. Redress the complaint within 1 month from the date of receipt. Yes, this is also correct. एक महीने के अंदर उस complaint को redress करना पड़ेगा उनको. It is mandated for the entity to provide the information related to return, refund, exchange. Yes, उनको सभी तरीके की information देनी है. And option D is country of origin is mandated to quote. Yes, country of origin भी देना पड़ेगा. इसके लिए तो government ने एक separate guidelines भी निकाली है for all the e-commerce companies that you have to provide the country of origin in all the products. Alright. So therefore the correct answer should be what? Option E. All are included. Now question number 4. Who will chair the newly introduced Central Consumer Protection Council? Central Consumer Protection Council will be constituted by the central government and it will be headed by the Union Minister of Consumer Affairs. जो भी Union Minister होंगे Consumer Affairs के, he or she will be the chairperson of Central Consumer Protection Council. So therefore the correct answer will be what? Option B. Now guys, this question is about the MMR. हमने MMR already discussed कर लिया था in detail, but yes, this question I feel that this question can be asked in your exam. So मैं आपके सामने question लेके आया हूँ. So let us read out question number 5. What is true statement about the state's performance with respect to MMR? जो हमारे states की performance है, उसमें हमें true statement बतानी है, okay? So Assam has the highest MMR. Yes, this is absolutely correct. Assam का जो MMR है, वो सबसे ज़्यादा है. Southern states have MMR less than normal MMR. Yes, this is absolutely correct. और ये almost हमेशा ऐसा ही रहता है. And Kerala has lowest MMR. Yes, this is also correct. So therefore, the correct answer should be what? Option E. These three information are very important for your exam, so please remember this कि असम का जो MMR है, that is highest. Southern states का MMR, normal MMR, national MMR जो है उससे कम है. And Kerala has the lowest MMR, right? So the correct answer is what, guys? Option E, 1, 2, and 3. Okay, guys. So that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.